सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, एमीन की बेसिसिटी वो कैसे वेरी करती है, कब एमीन की बेसिसिटी इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है. सो एमीन इज आर एन एस टू. कोई भी कंपाउंड बेसिक तभी होता है जब वो लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. एमीन बेसिक है क्योंकि एमीन लोन पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. अगर इसके कॉन्टेक्ट में H प्लस आता है तो एमीन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. ये लोन पेयर है इसका, इसने अपना लोन पेयर H प्लस को ऐसे दे दिया. नाउ दिस इज आर एन एस थ्री प्लस. तो एमीन इज बेसिक इन नेचर क्योंकि एमीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है. जो एमीन जितना ही बेटर डोनर होगा वो उतना स्ट्रांग बेस होगा. अब कौन से एमीन बेटर डोनर हैं, कौन से पुअर डोनर हैं, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है. तो वही एमीन बेटर डोनर होंगे जहां एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी. एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है मीन्स वो बेटर डोनर है और वो बेटर बेस होगा. तो कैसे हम जानेंगे कि एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. तो अगर आर एक प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. तो जैसे सपोज ये आर एन एस टू है और R एक प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, N पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी. अब ये और बेटर डोनर हो जाएगा, और बेटर डोनर हो जाएगा मींस और स्ट्रांग बेस हो जाएगा. तो प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी. प्लस आई पावर जितना ही ज़्यादा होगा बेसिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा. बट अगर R एक माइनस आई ग्रुप है, अगर सपोज R एक माइनस आई ग्रुप हो, सपोज R ए माइनस आई ग्रुप, तो माइनस आई ग्रुप एन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा कर लेगा. अब जब अपनी तरफ विड्रा कर लेगा तो एन पर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई. अब ये पुअर डोनर हो गया. पुअर डोनर हो गया मीन्स ये वीकर बेस हो गया. तो प्लस आई ग्रुप बेसिक करेक्टर को इंक्रीज करेंगे बट माइनस आई ग्रुप बेसिक करेक्टर को डिक्रीज करेंगे. दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी. सो प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करते जाएंगे. अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को पता चल गया कि कैसे बेसिसिटी इंक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी. मैं वेरियस बेस लूँ और आपसे बोला जाए कि कौन बेटर बेस, कौन पुअर बेस. तो नाउ दिस इज अमोनिया, दिस इज सी एस थ्री एन एस टू, दिस इज सी एस थ्री सी एस टू एन एस टू, दिस इज सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू एन एस टू. अब आपसे बोला जाए कि इन सब में कौन स्ट्रांग बेस, कौन पुअर बेस. तो कार्बन के बढ़ने से प्लस आई पावर बढ़ता है और प्लस आई बढ़ने से बेसिक करेक्टर बढ़ता है. सी एस थ्री प्लस आई, इसने बेसिक करेक्टर बढ़ा दिया. यहाँ पे प्लस आई और ज़्यादा, इसने और बढ़ा दिया. और यहाँ प्लस आई मैक्सिमम है क्योंकि तीन कार्बन है, इसने और बढ़ा दिया. तो बेसिसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर है. अब जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज एन एस टू, ये थ्री मेंबर रिंग, ये एन एस टू, यहाँ फोर मेंबर रिंग, दिस इज एन एस टू, ये फाइव मेंबर रिंग, ये एन एस टू, यहाँ से सिक्स मेंबर रिंग. अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, कार्बन बढ़ेंगे प्लस आई पावर बढ़ेगा, बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा. नाउ दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. ऐसे अगर मैं ये कंपाउंड ले लूं कि दिस इज एन एच, दिस इज एन एच, अब ये फाइव मेंबर साइक्लिक रिंग में अगर टू डिग्री एमीन है ऐसे, और ये सिक्स मेंबर रिंग में ऐसे, अगेन सेम ऑर्डर, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, कार्बन बढ़ेंगे डोनेटिंग पावर बढ़ेगा, बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. अब जैसे मैं थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स लूँ, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लगा दिया, दिस इज एन एच, यहाँ पर है ऐसे, यहाँ भी एन एच, ये एन सी एस थ्री, और ये कंपाउंड है, दिस इज एन. अब इन चारों में पूछा जाए कि कौन ज़्यादा बेसिक, कौन कम बेसिक. नाउ दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक माइनस है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. एन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा करेगा, यानी एन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाने लगेंगे.
तो एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो पुअर बेस, यहाँ कोई ऑक्सीजन तो है नहीं, ये इस केस में सब प्लस आई ग्रुप में बढ़ गया, और यहाँ पर एक सी एस थ्री आ गया तो इसका प्लस आई पावर और बढ़ गया। अब यहाँ पर कार्बन और बढ़ गए, देखिए यहाँ पर दो कार्बन एक्स्ट्रा आ गए, ये दो कार्बन, तो बेसिसिटी और बढ़ती जाएगी। तो प्लस आई पावर बढ़ने से आपने देखा बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। माइनस आई ग्रुप बेसिक करेक्टर को डिक्रीज करेंगे, जैसे ये सी एस थ्री एन एस टू, दिस इज एफ सी एस टू एन एस टू, दिस इज सी एच एफ टू एन एस टू, एंड दिस इज सी एफ थ्री एन एस टू। सी एस थ्री जे प्लस आई ग्रुप जो कि बेसिसिटी इनको इंक्रीज करेगा, एफ माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे, यहाँ दो माइनस आई और ज़्यादा, यहाँ थ्री माइनस आई ग्रुप माइनस आई मैक्सिमम और डिक्रीज करेगा। सो नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, फर्स्ट वन इज मोर बेसिक एंड लास्ट वन इज द लीस्ट बेसिक। अब वेरियस एमीन ऐसे दिए गए, दिस इज एन एस टू, यहाँ पर एन ओ टू लगा दिया हमने, दिस इज एन एस टू, यहाँ भी एन ओ टू लगा दिया हमने, दिस इज एन एस टू, यहाँ भी हमने एन ओ टू लगा दिया। अब इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो एन ओ टू एक माइनस आई ग्रुप होता है और आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो NO2 का माइनस आई यहाँ मैक्सिमम है क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो बेसिसिटी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा, यहाँ भी माइनस आई ने डिक्रीज किया, और यहाँ माइनस आई मिनिमम है क्योंकि आप देखिए NH2 से इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा तो माइनस आई पावर कम मिनिमम, तो यहाँ माइनस आई मिनिमम यानी इसने लीस्ट डिक्रीज किया और इसने जब से ज़्यादा डिक्रीज किया, पहले वाले में ज़्यादा डिक्रीज हुआ लास्ट वाले में कम डिक्रीज हुआ, इट मीन जो लास्ट वाला है वो मोर बेसिक है, ऐसे इस तरीके से। अब और कंपाउंड्स अगर मैं लूँ, दिस इज एन एस टू, यहाँ पर आ गया एन ओ टू, दिस इज एन एस टू, यहाँ पर आ गया सी एन, दिस इज एन एस टू, यहाँ पर आ गया एफ। अब अगर आपसे बोला जाए कि इन तीनों में कौन मोर बेसिक कौन लेस बेसिक, तो माइनस आई पावर बेसिक करेक्टर को डिक्रीज करता है, एन ओ टू का माइनस आई मैक्सिमम है इन तीनों में, इसने भी माइनस आई से डिक्रीज किया, इसका माइनस आई इन तीनों में सबसे कम है, ये भी डिक्रीज करेगा पर कम डिक्रीज करेगा, नाउ दिस इज मोर बेसिक। सो दिस इज हाउ बेसिक करेक्टर इंक्रीज आर डिक्रीज। अब जैसे मैं एक ये कंपाउंड लूँ कि दिस इज सी एस थ्री एन एस टू, दिस इज सी एस टू डबल बॉन्ड एन एच, यहाँ N पर लोन पेयर, यहाँ भी N पर लोन पेयर, एंड दिस इज सी एच ट्रिपल बॉन्ड N। अब इन तीनों में पूछा जाए कौन ज़्यादा बेसिक है, तीनों में कार्बन सेम है बट एक में सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, एक में डबल बॉन्डेड और एक में ट्रिपल बॉन्डेड। दो एटम्स में जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है। नाउ जो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ये वाला, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी मिनिमम होती है, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दे हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाला जब से ज़्यादा बेसिक, लास्ट वाला लीस्ट बेसिक। तो दो एटम्स में बॉन्ड्स बढ़ेंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी मिनिमम होगी, इट मीन्स वो लीस्ट बेसिक होगा। इसी तरीके से आपसे बोला जाए कि इन दोनों कंपाउंड्स में Which one is more basic? Now first is more basic than second. Second में double bonded nitrogen है तो उसकी electronegativity ज़्यादा है तो least basic हो जाएगा। तो इस तरह से basicity यहाँ पर हमने देखा कि कैसे vary कर रही है। अब अगर मैं 1 degree, 2 degree, 3 degree amine ले लूँ including ammonia, this is ammonia, this is 1 degree amine CS3 NH2, 2 डिग्री अमीन सी एस थ्री एन एच सी एस थ्री, और 3 डिग्री अमीन इज सी एस थ्री एन सी एस थ्री। अब इन तीनों में पूछा जाए कि कौन मोर बेसिक है कौन लेस बेसिक है। बेसिसिटी को जानने के पहले, इन तीनों की वेरिएशन को समझने के पहले, एक चीज हमें और समझना है
कि बेसिसिटी खाली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने पे ही डिपेंड नहीं करती है। बेसिसिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि लोन पेयर डोनेट करने के बाद जो अमोनियम आयन बना वो स्टेबलाइज है कि नहीं है। वो जितना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उसके बनने के चांस उतने ज़्यादा होंगे और उसका बेसिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। जैसे RnH2 है, इसने अपना जब लोन पेयर H+ को दिया H+, तो ये RnH3+ में बदला। अब RnH3+ जो बना वो जितना ही स्टेबलाइज होगा, ये जितना ही स्टेबलाइज होगा, कंपाउंड का बेसिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। इस NH2 का बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा, मींस एमीन की बेसिसिटी लोन पे डोनेट करने पे तो डिपेंड करती ही करती है, साथ साथ जो अमोनियम आयन बना ये इसकी स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ये NH3+ जितना ही स्टेबलाइज होगा ये कंपाउंड RnH2 उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। नाउ अब हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में बेसिसिटी के वेरिएशन में इस बात को ध्यान रखना है कि लोन पेयर देने के बाद बनने वाला अमोनियम आयन स्टेबलाइज है कि नहीं है। नाउ अगर इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+, सब ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ को दे दिया, ऐसे H+ 1 डिग्री अमीन ने जब अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ को दिया तो ऐसे बना कि दिस इज CH3 NH 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 और Np+ आ गया। इसने जब अपना लोन पेयर H+ को दिया तो बन गया CH3 N CH3 H H और Np+। इसने जब लोन पेयर H+ को दिया तो बन गया CH3 N CH3 CH3 H Np+ आ गया। Np+ जितना ही स्टेबलाइज होगा बेसिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। अब एक्वस मीडियम में जो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, जिसमें जितना डोनेटिंग पावर होगा, दोनों को मिला के देखेंगे तो वो ज़्यादा बेसिक होगा। जब अमोनियम आयन बन गया तो एक्वस मीडियम में ये वाटर से देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनाएगा, दिस इज H2O, ऐसे हो गया। अब देखिए O पे माइनस, H पे प्लस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनता गया, स्टेबलाइज हो गए। यहाँ भी वही हुआ, दिस इज H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता गया ऐसे, और यहाँ भी H2O, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता गया। अब प्लस आई पावर और हाइड्रोजन बॉन्ड से अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी का जो कंबाइन इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री एमीन में आता है, दिस वन। आप देखिए इसमें डोनेटिंग ग्रुप 2 हैं और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहे हैं, तो डोनेटिंग पावर और अमोनियम आयन बनने के बाद जो स्टेबिलिटी है उसका कंबाइन इफेक्ट 2 डिग्री में सबसे ज़्यादा है। 3 डिग्री में डोनेटिंग पावर तो ज़्यादा है, बट डोनेट करने के बाद जो अमोनियम आयन बना वो बहुत ही लीस्ट स्टेबलाइज है, क्योंकि वो वहाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। 1 डिग्री में स्टेबिलिटी तो अमोनियम आयन की ज़्यादा है, बट इसका डोनेटिंग पावर कम है। तो अगर इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट मिलाएं तो एक्वस मीडियम में सबसे ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री अमीन, देन 1 डिग्री अमीन, देन 3 डिग्री अमीन, देन अमोनिया। सो एक्वस मीडियम में बेसिक करेक्टर का वेरिएशन इस तरह से हो जाएगा। पर अगर गैसियस फेज बोलें तो गैसियस फेज में तो अमोनियम आयन ही बनेगा, वहाँ कोई स्टेबलाइज तो होना नहीं, तो वहाँ पर वही ज़्यादा बेसिक होगा जिसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा, और डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का, देन अमोनिया। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि कौन मोर बेसिक है, कौन लेस बेसिक है। सो दिस इज द बेसिसिटी ऑफ एल्काइल एमीन। एरोमेटिक एमीन में बेसिक करेक्टर का वेरिएशन इफेक्टिव रिजोनेंस के बेस पे करते हैं। जैसे मैं वेरियस एमीन लूँ, और हमने आपको शुरू से ये बताते रहा कि वो अच्छा बेस होगा जो बेटर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। इफेक्टिव रिजोनेंस जितना ज़्यादा होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, और उस एमीन का बेसिक करेक्टर भी उतना कम होगा।
जैसे मैं कुछ वेरियस एमीन्स लेता हूँ, उसमें पूछा जाए कि कौन मोर बेसिक कौन लेस बेसिक। जैसे मैंने एक एल्काइल एमीन लिया CH3, CH2, NH2, एक हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, एक हमने लिया PHNH2, ऐसे एक हमने एमाइड ले लिया, दिस इज RCONH2, और सेकंड इज साइक्लिक एमाइड लिया, दिस इज NHCO। ऐसे हो गए। अब इन सब में पूछा जाए कि कौन मोर बेसिक है कौन लेस बेसिक है, इसको एक्सप्लेन करें, तो N जितना बेटर डोनर होगा वो उतना अच्छा बेस होगा। पहले वाले में एल्काइल एमीन में N सिर्फ और सिर्फ अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरे में N का लोन पेयर देखिए रिजोनेंस में ऐसे इन्वॉल्व हो गया, ऐसे बन गया कि दिस इज CH2 CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस CH2 माइनस। अब N पे प्लस आ गया तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई, तो पहले और दूसरे में पहला मोर बेसिक दूसरा लेस बेसिक, क्योंकि दूसरे के अंदर रिजोनेंस के कारण N का लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया, पहले में N का लोन पेयर लोकलाइज था। थर्ड में बेसिक करेक्टर और कम क्योंकि इसमें रिजोनेंस और ज़्यादा होगा, देखिए फिर ऐसे रिजोनेंस में ढेर सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी N का लोन पेयर और ज़्यादा डीलोकलाइज होगा, और ज़्यादा डीलोकलाइज तो और लेस बेसिक। थर्ड और फोर्थ में फोर्थ और कम बेसिक क्योंकि यहाँ N का लोन पेयर रिजोनेंस से O पे जा रहा है, ऐसे दिस इज RC डबल बॉन्ड NH2 प्लस O पे माइनस। तो आप देखिए यहाँ N का इलेक्ट्रॉन O पर गया, N का इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चला गया। N के इलेक्ट्रॉन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाने के चांस जितने ज़्यादा होंगे उसका बेसिक करेक्टर उतना ही कम होगा। यहाँ देखिए थर्ड में N का इलेक्ट्रॉन C पे जा रहा था, इलेक्ट्रॉन के N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाने के चांस कम, यानी वो रिजोनेंस इनइफेक्टिव होता है। बट N के O पे जाने के चांस ज़्यादा तो वहाँ कम रिजोनेंस के बावजूद इफेक्टिव रिजोनेंस होगा तो ये और कम बेसिक होगा। थर्ड में N का लोन पेयर दो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो रहा है, इधर भी और इधर भी, तो इसका बेसिक करेक्टर और कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव रिजोनेंस इंक्रीज होगा तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। अब ऐसे ही आपसे ये बोला जाए कि दिस इज NH2 एनिलीन, दिस इज पिरिडीन, दिस इज पायरॉल। आपसे बोला जाए कि इन तीनों में कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक, इसको एक्सप्लेन करें। नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। यहां N का लोन पेयर लोकलाइज है, लोकलाइज है मीन्स ये दूसरे को दे सकता है, वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो दूसरे को आसानी से दे सकता है। यहां N का लोन पेयर आप देखें रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, ऐसे रिजोनेंस में इन्वॉल्व है यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है तो दूसरे को देने के चांस कम है। थर्ड जो पायरॉल है वो लीस्ट बेसिक है क्योंकि यहां N का इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक करेक्टर में इन्वॉल्व है, इसी N के लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। आप देखिए इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4N+2=6, N=1 एरोमेटिक। अगर इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया जो कि चांस हालांकि मिनिमम है, तो इसका एरोमेटिक करेक्टर ही लूज हो जाएगा। एरोमेटिक करेक्टर लूज ना हो इसलिए इसके अंदर डोनेट करने की टेंडेंसी मिनिमम होती है। इसको मैं एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक कंपाउंड ये है, दिस इज N, दिस इज N, ये कंपाउंड, इस पर H प्लस का रिएक्शन कराएं, ये नाइट्रोजन नंबर 1 है, नाइट्रोजन नंबर 2 है। अब आपसे बोला जाए कि N नाइट्रोजन 1 और 2 में कौन ज़्यादा बेसिक है, तो बेसिक वही होगा जिसमें N का लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा।
नाइट्रोजन 2 जो है उसमें एन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड भी है लोन पेयर भी है। अगर किसी एटम पर डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों है तो रेजोनेंस में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता, डबल बॉन्ड मूव करता है। पहले वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर तो एरोमेटिक करेक्टर में इन्वॉल्व है, आप ऐसे देखें इसमें एन का लोन पेयर ऐसे एरोमेटिक, इसके एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व है। सेकेंड नाइट्रोजन का लोन पेयर ये जो है ये बेसिक, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है तो ये दे देगा लोन पेयर। नाउ जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज एन, और इस एन पे प्लस आ गया। नाउ दिस इज मोर बेसिक। तो जिस एन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होगा वो बेसिक होगा, जो डी लोकलाइज होगा वो लीस्ट बेसिक होगा। तो इस तरह से बेसिसिटी हम लोगों ने देखा कि कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर एनिलीन के डिफरेंट डेरिवेटिव्स ले ली जाएं और पूछा जाए कि कौन मोर बेसिक कौन लेस बेसिक, जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज NH2, दिस इज NH CH3, दिस इज NCH3, और फोर्थ कंपाउंड ऐसे है, दिस इज NCH3 CH3 CH3 NCH3। नाउ दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, और जो लास्ट वाला है दैट इज हाईली बेसिक, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। लास्ट वाला जो मोर बेसिक है, इट इज ड्यू टू SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसमें क्या है कि इसमें एन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसमें भी एन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, इसमें भी एन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, बट इसमें एन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। जब बेंजीन की दोनों आर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड होती हैं तो बीच का जो तीसरा ग्रुप है वो रिपल्सन से बचने के लिए नॉन प्लेनर हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है, अब बीच का तीसरा ग्रुप रिपल्सन से बचने के लिए प्लेन से दूर चला गया, ये पूरा का पूरा ग्रुप नॉन प्लेनर हो गया। रिजोनेंस होने के लिए सारे एटम सेम प्लेन में होने चाहिए। अब जब ये नॉन प्लेनर हो गया तो इस एन का लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। अब जब ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो ये दूसरे को आसानी से डोनेट कर सकता है। अब जब आसानी से डोनेट करेगा तो ये एकदम एल्काइल एमीन की तरह बिहेव करेगा और इसका बेसिक करेक्टर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और बाकी इन तीनों में बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बढ़ते जा रहे थे, प्लस हाई पावर बढ़ता जा रहा था। अब बेंजीन के वेरियस डेरिवेटिव्स लिए जाएं और आपसे बोला जाए कि कौन ज़्यादा बेसिक कौन कम बेसिक, जैसे ये NH2 है, यहाँ पर हमने NO2 लगा दिया, यहाँ पर हमने CN अटैच किया, यहाँ पर हमने F लगा दिया, NH2, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया, NH2, यहाँ हमने OCH3 लगा दिया। अब इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाए कि कौन मोर बेसिक कौन लेस बेसिक, तो NO2 जब माइनस एम ग्रुप डिक्रीज करेगा, CN माइनस एम ग्रुप डिक्रीज करेगा, F माइनस आई ग्रुप डिक्रीज करेगा, CH3 प्लस H ग्रुप हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और OCH3 प्लस M ग्रुप है ये भी इंक्रीज करेगा। NO2 और CN में माइनस एम पावर NO2 का ज़्यादा मैक्सिमम, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज करेगा। नाउ दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऐसे अब बेसिसिटी इंक्रीज होती गई। सो दिस इज हाउ वेरिएशन इन द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन डेरिवेटिव टेक प्लेस। अब जो एक कंपाउंड होता है गुआनिडीन और उसके डेरिवेटिव,
वो एल्काइल एमीन से भी ज़्यादा बेसिक होते हैं। अच्छा, एल्काइल एमीन और एरोमेटिक एमीन में मैंने पहले डिस्कस किया कि एल्काइल एमीन ज़्यादा बेसिक होता है, जो मैंने यहाँ बताया था आपको, दिस इज एल्काइल एमीन एंड दिस इज एरोमेटिक एमीन। तो एल्काइल एमीन और एरोमेटिक एमीन में एल्काइल एमीन ज़्यादा बेसिक होता है। गुआनिडीन और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, दे आर द मोस्ट बेसिक एमीन। गुआनिडीन मोस्ट बेसिक। पूछा जाए गुआनिडीन और उसके डेरिवेटिव हाईली बेसिक क्यों होते हैं? दिस इज गुआनिडीन, दिस इज NH2, CNH2, डबल बॉन्ड NH। दिस इज गुआनिडीन और ये उसका डेरिवेटिव है। एक NH2 को CH3 से रिप्लेस कर दें, यानी गुआनिडीन के जैसा है, और ये एल्काइल एमीन है CH3, CH2, NH2। एल्काइल एमीन एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा बेसिक, ये पहले डिस्कस किया गया। नाउ गुआनिडीन का बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा, अब पूछा जाए ऐसा क्यों, गुआनिडीन मोस्ट बेसिक क्यों होता है, उसको समझते हैं। कोई भी कंपाउंड बेसिक तभी होगा जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो जो अमोनियम आयन बनाए वो हाईली स्टेबलाइज हो। तो गुआनिडीन का जो अमोनियम आयन बना वो हाईली स्टेबलाइज होता है। कैसे होता है उसको देखते हैं कि दिस इज NH2, CNH2, डबल बॉन्ड NH, N पर लोन पेयर, H+ ने इसको, इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ को दिया ऐसे। और दिस इज NH2, CNH2, डबल बॉन्ड NH2+, ऐसे बन गया। अब ये देखिए, जो अमोनियम आयन बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। N+ ने इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिया, यहाँ पे प्लस, इसको N ने दिया, तो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना। दिस इज NH2+, डबल बॉन्ड C, दिस इज NH2, ये हो गया NH2। उसी तरह इस N+ ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसने दे दिया ऐसे। ऐसे हो गए। तो आप देखिए, लोन पर इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो ये बना अमोनियम आयन, वो रिजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी देने के बाद स्टेबलाइज है। लोन पेयर देने के बाद स्टेबलाइज है, मीन्स इसके अंदर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं कि वो लोन पेयर डोनेट करने के पहले ही रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं। जैसे एनिलीन था, ये लोन पेयर डोनेट करने के पहले ही देखिए रिजोनेंस स्टेबलाइज हो गया था, तो इसके अंदर डोनेट करने की टेंडेंसी मिनिमम थी, इसीलिए लीस्ट बेसिक था। बाकी एल्काइल एमीन जो होते हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करते हैं, पर डोनेट करने के बाद जो अमोनियम आयन बना RNH3+, वो स्टेबलाइज नहीं था, वो नॉर्मल केस में था। तो गुआनिडीन और उसके डेरिवेटिव मोस्ट बेसिक, क्योंकि वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं।